नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सरकार ने आयोग और निगम के गठन का काम शुरू कर दिया है। यूपी में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। राज्य महिला आयोग का गठन करते हुए एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी गई है। बबीता चौहान को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। वही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद अपर्णा यादव को लेकर भी कई सवाल किए जा रहे। कहा जा रहा है कि आखिर इतने सालों के बाद आखिरकार बीजेपी में रहते हुए अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ ही चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो एक साल तक इस पद पर बनी रहेंगी। लेकिन इसी बीच एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है और वो सवाल यह है कि आखिर बबीता चौहान कौन है जिनको अपर्णा यादव से ऊपर रखते हुए बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर बबीता चौहान कौन है। बबीता चौहान मूल रूप से आगरा की रहने वाली हैं। वो हरिपर्वत की प्रोफेसर कॉलोनी की रहने वाली हैं। बबीता चौहान पहले भी भारतीय जनता पार्टी में कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। बबीता चौहान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष है। वो यूपी बीजेपी कार्यकारिणी में सदस्य की भूमिका भी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। बबीता चौहान सक्रिय राजनीति में होने के साथ साथ समाजसेवी और स्वयंसेवी संगठनों से भी जुड़ी हुई है। वो खैरागढ़ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। बबीता चौहान के पति जितेंद्र चौहान भी लॉयंस क्लब इंटरनेशनल यानी कि एक ऐसी संस्था जो समाज सेवा में अग्रिम भूमिका निभाती है, उसमें इंटरनेशनल डायरेक्टर है। वो कई समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता अनुज उपाध्याय के साथ आगरा से उन्होंने विशेष बातचीत की, यानी कि हमारे संवाददाता ने बबीता चौहान और उनके पति जितेंद्र चौहान से खास बातचीत की है। इस बातचीत का अंश देखिए। आगरा की भाजपा की भाजपा ने बबीता चौहान को एक विशेष उपलब्धि, विशेष पदा यह महिला है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की रणनीति रही, क्या योजना रही। बिल्कुल, मैं पहले तो आपके माध्यम से अपने संगठन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उनको विश्वास जताया है। और निश्चित रूप से जो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करूँगी, पूरी निष्ठा के साथ करूँगी। और जैसा आप लोग को यहाँ जानते ही हैं कि जो मेरी कार्यशैली रहती है, और जिसमें कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे ऐसे हैं कि जो कभी उनका आराम का या किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है। अगर उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला तो मेरा सौभाग्य है। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा करने की तैयारी है। महिला आयोग के अंदर महिलाओं को लेकर क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, महिलाओं के लिए जितनी भी जो भी मेरी जिम्मेदारी होगी सबको पूर्ण करूँगी, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को समृद्ध और अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश अभी बहुत सुरक्षित खातों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आप देख रहे हैं जैसा उनका शासन है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। बट फिर भी अगर कहीं मेरी ज़रूरत है, कुछ भी है, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ और पूरा जितना भी उनके लिए सहयोग कर सकती हूँ, भी जितना भी उनके लिए काम कर सकती हूँ, मैं पूरी निष्ठा से। विधवा पेंशन, अन्य प्रकार की पेंशन है, उनको लेकर महिलाओं को किस प्रकार से जागरूक करेंगे? विधवा पेंशन, महिलाओं की अन्य प्रकार की पेंशन है जो सुविधाएं महिलाओं को नहीं, उनको लेकर क्या? वो तो मैं वैसे भी करवाती रहती हूँ, जितनी भी हमारे पास बहनें आती हैं, अगर उनको कुछ इस तरह की दिक्कत है तो ये तो 100% चलती ही रहेंगी। और कोशिश करेंगे कि अगर कहीं किसी को कुछ असुविधा है, किसी को कुछ परेशानी है, कुछ भी है, तो उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, उस तरह से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहिए? महिलाओं को बस मैं तो अभी यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को बहुत स्वाभिमान के साथ, और क्योंकि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के संरक्षण हमें प्राप्त है, इसलिए हमें बहुत अच्छा करना चाहिए और बहुत ही आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मैं तो कहूँगी समाज की दृष्टि से भी कि समाज में भी महिलाओं का कद बहुत बढ़ा है। अगर मैं केंद्रीय सरकार की बात करूँ तो वहाँ भी सरकार ने हम महिलाओं को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं अपनी बहनों से भी सबसे कहना चाहूँगी कि हम बिल्कुल हमें कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपने संगठन का काम करना चाहिए, संगठन के साथ जुड़ना चाहिए ईमानदारी से, और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप लॉयंस क्लब की बड़ी पदाधिकारी हैं, लॉयंस क्लब को लेकर किस तरह से क्या कुछ?
देखिए, लायंस क्लब असल में विश्व की एक सबसे बड़ी संस्था है जो समाज सेवा में सबसे अग्रणी है, और मैं उसके माध्यम से भी, जैसे कि मैं पिछले 20 सालों से आप देख रहे हैं शहर में कि मुझे शायद किसी काम को ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे कहीं यहाँ से कोई निराश गया हो, प्रभु की कृपा है ऐसी। तो अगर लायंस क्लब की बात की जाए तो कई बार लायंस क्लब का जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं, तो क्योंकि संस्था इतनी बड़ी है, और निश्चित रूप से क्योंकि अब मेरे पास थोड़ी जिम्मेदारी है, मैं काम करा सकती हूँ, काम कराने में अब सक्षम हूँ, तो अगर जहाँ भी लायंस क्लब के सहयोग की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी सब मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद थी महिला आयोग की अध्यक्ष वंदना चौहान, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। महिलाओं को स्वाभिमान बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, समस्याओं को दूर किया जाएगा। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और पद कोई शोभा के लिए नहीं होता, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उनके प्रदेश संगठन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने भरोसा किया है, तो मुझे विश्वास है कि उनकी जो क्षमताएँ हैं, मैंने जो 20 वर्षों में जो जिस तरह से वो मेरे संग कंधे से कंधा मिला के रही हैं, तो उनका काम करने की क्षमता मैं जानता हूँ, और संगठन ने जब भी कोई उन्हें जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। तो आज महिलाओं के स्वास्थ्य से लेके, सुरक्षा से लेके, महिलाओं के समृद्धि के लिए, जागरूकता से लेके, जितने भी पहलू हैं वो सारे पहलुओं पे वो काम करेंगे। और मुझे पता है सामाजिक व्यक्ति जब किसी पद पर जाता है तो उसकी सोच ही कुछ अलग होती है, और वो निश्चित तौर पे वो राजनीतिक और सामाजिक दोनों परिवेश उनके अंदर हैं। सामाजिक में वो हर जगह मेरे साथ थी और राजनीति भी पूरी निष्ठा के साथ कर रही थी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और प्रदेश में कैसे महिलाओं का विकास हो, कैसे सुरक्षा हो, कैसे और अच्छा वातावरण हो, कैसे उनके लिए और क्या इस तरह की चीज़ें डेवलप की जाए जिससे वो खुद जागरूक हों, तो मुझे लगता है वो बबीता जी ज़रूर अच्छा करेंगी, और मेरी शुभकामनाएं उनको, और मुझे भरोसा भी है उन पर कि वो निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करेंगे। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज पांडे से आगरा। देखा जाए तो सियासी गलियारों में एक सवाल गूंज रहा है कि आखिर अपर्णा यादव से पहले बबीता चौहान क्यों, तो इसका जवाब भी हम आपको दे चुके हैं। बबीता चौहान कोई साधारण महिला नहीं है, वो समाज सेवा में अपनी अग्रिम भूमिका निभाती आई हैं, यहाँ तक कि उनके पति जितेंद्र चौहान भी लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। आपको बता दें कि लॉयंस क्लब एक ऐसी संस्था है जो समाज सेवा में काफी अग्रिम भूमिका निभाती है, हर जरूरतमंद के लिए वो खड़ी रहती है, संस्था इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कहीं ना कहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहुंच कई देशों तक पहुंचा ली है तो ये कहना गलत नहीं होगा, यानी कि बबीता चौहान के जरिए वो कई देशों में अपना नाम पहुंचा चुके हैं। बबीता चौहान एक ऐसी महिला है जो समाज सेवा के लिए आज तक काफी कुछ काम कर चुकी है। वहीं अगर अपर्णा यादव की बात की जाए तो अपर्णा यादव की पहचान अब भी फिलहाल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के रूप में ही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का फैसला कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि समाज सेवा की अपना अलग ही महत्व होता है, और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक बेहद ही दमदार फैसला किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।